माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप सब खैरियत से होंगे और होंगे सेफ एंड हेल्दी। आज बन रहे हैं वेरी स्पेशल सैंडविचेस, चिकन वेज ग्रिल सैंडविचेस। ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना है आप सबको। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, और शाम की चाय पे आप ले सकते हैं। कोई मेहमान आए तो उनके सामने भी आप पेश कर सकते हैं। तो बातें करते हैं कम और जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं आज की रेसिपी में। बॉईल कर लिए थे हमने आलू, दो आलू लिए थे बॉईल कर लिए। यहाँ पे दही ले लिया है हमने, गाढ़ा सा दही है हमारे पास। ठीक है, और ब्रेड के स्लाइसेस हैं। हमने यहाँ पे गाजर ले ली थी, उसको छोटा छोटा चकोर काट लिया, कैबेज को भी काट लिया, गाजर को बॉईल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये भी बॉयल हुए में है। यहाँ पे चिकन को हमने नमक और काली मिर्च लगा के सेक लिया था ग्रिल के ऊपर, ग्रिल पैन पे। ठीक है, और उसको जब वो पक गए तो उसको उसके पीसेस कर लिए, श्रेड कर लिया हाथ की मदद से। केचप जाएगा, चिली गार्लिक सॉस, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, ये सारी चीज़ें जाएंगी आज की रेसिपी में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आलू ले लिए थे दो मीडियम साइज़ के, उसको बॉईल कर लिया, मैश कर लिया। ठीक है, इसके बाद स्वीट कॉर्न, जो भुट्टे के दाने होते हैं, वो जाएंगे इसके अंदर दो खाने के चम्मच। बंद गोभी दो खाने के चम्मच, छोटे छोटे हमने क्यूब्स में काट लिए थे। गाजर दो खाने के चम्मच हमने क्यूब्स में काट लिए थे छोटे छोटे, और बॉईल कर लिया था इसको, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, काली मिर्च क्रश्ड और नमक, दोनों हाफ हाफ टीस्पून, आधी चाय की चमची। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय की चमची। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे हम मिक्स। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है दही 250 ग्राम एक पाव। ठीक है, पानी निकला हुआ है, ज़रा गाढ़ी गाढ़ी सी दही है। इसके अंदर हम डालेंगे केचप एक खाने का चम्मच, और कर लेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। ये डिप बन रहा है हमारा, और यहाँ पे जाएगा नमक और काली मिर्च एक चौथाई चम्मच। ठीक है, ये हम डिप बना रहे हैं, आप सैंडविचेस इसके साथ खाइएगा, और इसको हम सैंडविचेस के अंदर भी लगाएंगे। अब ब्रेड रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रिल पैन, एक खाने का चम्मच उसमें डाल दिया है ऑयल। इसको ब्रश की मदद से हम पूरे पैन में फैला देंगे, और बस पैन हो गया है हमारा गरम। ब्रेड के स्लाइसेस रख देंगे, यहाँ पे ब्रेड को करेंगे ग्रिल। हमको ग्रिल मार्क चाहिए ब्रेड के ऊपर, तो बस ब्रेड के ऊपर जब तक मार्क आ जाएंगे हम, जब तक इसको सेक लेंगे अपने पैन पे। हल्की आंच पे हमको इसको सीखना है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे मैं हूँ, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया है हमारा। इसके बाद हम बस एक ही साइड पे हमने सीखा है। ठीक है, और इसके बाद हमने अंदर चिली गार्लिक सॉस लगाया, और जो हमने पोटैटो के अंदर वेजिटेबल्स सारी मिक्स की थी वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरीके से लगा लीजिए, शाम की चाय पे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सैंडविचेस, इसको ज़रूर बनाइएगा। और खीरे के स्लाइसेस कर लिए थे हमने, वो रखेंगे। इसके बाद दोबारा से एक स्लाइस रखेंगे, फिर लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर चिकन श्रेड की हुई। फिर से बता दूं, नमक काली मिर्च लगाया था हमने, बोनलेस पीस लिया था, उसको ग्रिल कर लिया, वो पक गया, हमने उसको श्रेड कर लिया हाथ की मदद से। बस वो पीसेस हमने रख दिए हैं। इसके बाद हमने जो डिप बनाई है सैंडविचेस के साथ खाने के लिए, वो इसके अंदर लगाएंगे हम। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इस सैंडविचेस को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत ही जूसी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पसंद है मुझे, स्पेशली मम्मा के हाथ के। तो बस ये हमने लगा दिया है, इसके ऊपर एक और स्लाइस रख देंगे हम इस तरह से, और इसको बीच में से हम आपको पीस भी करके दिखाते हैं।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरह से बनी है ये देखिए। माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है ये और खाने में भी बहुत ही लजीज होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटे बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे इसको क्योंकि इसमें सब्ज़ी भी है, तो बच्चे सब्ज़ी शौक से नहीं खाते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, हस्बैंड को दीजिए लंच में, और शाम की चाय पे ट्राई कीजिए, वीकेंड पे ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अब हमको दीजिए इजाज़त, और रेसिपी को जब भी आप लोग ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक बहुत सी यमी सी रेसिपी के साथ। तो दुआओं में रखिएगा यार, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।